राजस्थान का चुनाव है अगले महीने में, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए डबल इंजन की सरकार देश में जहां जहां है 11-12 करोड़ परिवारों में नल से जल देने का जो काम हुआ है, राजस्थान जो भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूब गया है, मुख्यमंत्री महोदय केवल अपनी सत्ता कुर्सी बचाने के चक्कर में और विधायकों की गुलामी करते रहे, विधायक टूट के चले जाएंगे, मेरी सरकार चली जाएगी, विधायकों ने जो लूट मचाया है लोगों की सेवा करने के बदले में, और यहाँ जो तुष्टीकरण की राजनीति बड़े जोरों पर जिसने जोर दिया है वो सब जानते हैं, सबको मालूम भी है। इस तुष्टीकरण की राजनीति से निजात देने के लिए भारत विकसित भारत तब बनेगा जब भारत के 140 करोड़ लोग एक समानता के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो डबल इंजन की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भ्रष्टाचार से निजात मिले, यहाँ पर जो महिलाओं के साथ में किस प्रकार से देश के सबसे नंबर वन राज्यों में महिला करप्शन के मामले में राजस्थान नंबर वन है पूरे देश के, और उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, रोज कोई ना कोई आप उत्पात होता देख रहे हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में है, और सभी राजनीतिक दल जब चुनाव होते हैं तो अपने अपने कार्यकर्ताओं को सहयोग के लिए भेजते हैं। अन्य राजनीतिक दल परिवार की एक वो बनकर रह गए हैं पहचान, और उनके कुछ चाटुगार, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन है जो परिवारवाद से बाहर निकलकर और केवल कार्यकर्ता के बलबूते पर चुनाव लड़ता है, और राजनीति में जनता सेवा के लिए, राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति से देश को बाहर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो टोंक की जो जनता है सम्मानित वो बताएगी कि कौन चुनाव के दौरान आते हैं और कौन छः छः एक एक महीने क्षेत्र से गायब रहते हैं, वो लोग जानते हैं। जो निर्दलीय लड़ता है वो भी यही दावा करता है कि मैं भी चुनाव जीतूंगा, वरना वो निर्दलीय चुनाव लड़े ही ना, अगर उसको गलतफहमी ना रहे तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े ही ना, निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव। भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव अपना राजनीतिक, पिछली बार दौसा में पायलट के पिताजी राजेश जी दौसा से भी रहे थे, पिछली बार में 4 महीने दौसा का इंचार्ज था, अलवर का इंचार्ज था, तो दौसा भी तो वही सीट थी, अलवर में तो पायलट नहीं थे, चित्तौड़गढ़ में तो पायलट नहीं थे।